हेडलाइन 24 से संतोष योगी की विशेष खबर। आज बंद बिहार के पूरे 27 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस खुशी में हमने आज यहाँ के प्रबंधक एवं कर्मचारियों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि ये सब आम जनता और मीडिया का प्रेम है जो आज भोपाल का पूरा नाम पूरे वर्ल्ड और पूरे देश में बंद बिहार में फेमस होने जा रहा है। हमने यहाँ जैन साहब से विस्तृत जानकारी ली है कि किस प्रकार यहाँ पर बंद प्राणी की सुरक्षा एवं खान पान के बारे में क्या लगा जाता है। मैं अशोक कुमार जैन वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सहायक संचालक के पद पर कार्यरत हूँ। आज जैसे कि वन विहार को कितने वर्ष हो गए हैं, तो आज क्या आप लोगों ने आयोजन किया? देखिए, वन विहार के इतिहास में हम जाएंगे तो इसकी कहानी 1971 से प्रारंभ होती है, जब पहली बार ये सोचा गया कि भोपाल चूँकि राजधानी है और इसके लिए 50 वर्ष बाद कम से कम एक ऐसी जगह की आवश्यकता होगी जहाँ से फ्रेश एयर मिल सके। तो राज्य शासन ने ये सोचा कि 1000 एकड़ की कोई ऐसी जगह ढूंढी जाए जिसमें नेशनल पार्क या बॉटनिकल गार्डन बनाया जाए। 1977 में जब स्वर्गीय श्री सकलेजा जी थे यहाँ के मुख्यमंत्री, तब उन लोगों ने ये निर्णय लिया और 1000 एकड़ भूमि श्यामला हिल के आसपास देने का उन्होंने शासन ने वचन दिया और जगह ढूंढी गई। तो राजस्व क्षेत्र की करीब 375 हेक्टेयर जगह मिली और उसके अलावा कुछ यहाँ तीन पहले गांव थे, आमाखेड़ी, धर्मपुरी और प्रेमपुरा। प्रेमपुरा के तो अवशेष अभी भी हैं। उनसे करीब 55 एकड़ ज़मीन किसानों से ली और इस तरीके से 1983 में वन विहार को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और इसमें 445.21 हेक्टेयर भूमि शामिल की गई। जो आपका प्रश्न है, 83 के बाद सबसे पहले तो यहाँ हर्बीवोर एनिमल आए, शाकाहारी वन्य प्राणी, लेकिन जब मांसाहारी वन्य प्राणी आए तो चूँकि मांसाहारी वन्य प्राणियों को ऐसे कैप्टिविटी में नहीं रख सकते हैं, तो CJDA से हम लोगों ने इसके लिए पत्राचार किया और हमें आज के दिन यानी 24/11/1994 को जू के रूप में मान्यता मिली और आज का जो दिन है वो जू मान्यता दिवस के रूप में ही हम लोग मना रहे हैं। सर, कितने शेर अभी यहाँ पे बागवानी है? जो बाघों की संख्या का जहाँ तक सवाल है अभी 14 हैं और जो सिंह हैं वो हमारे यहाँ 5 हैं। इसके अलावा लेपर्ड हैं वो 11 हैं, हायना 3 हैं और जो स्लॉथ बियर हैं 23 हैं। इसके अलावा जो फ्री रेंजिंग एनिमल है वो करीब 1200 हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप लोग बधाई के पात्र हो, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग है, हमें मीडिया का हमेशा से सहयोग मिलता है और हमारे प्रयासों को आप जिस तरीके से जनमानस के सामने रखते हैं वो बहुत ही सराहनीय कदम होता है और यही कारण है कि वन विहार दिनों दिन इसका नाम काफ़ी ऊपर जा रहा है। 2017 में ये संरक्षित क्षेत्रों का एक मूल्यांकन हुआ था, उसमें वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को पहला स्थान मिला था और इसी वर्ष जो हमारे वन विहार के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अतुल गुप्ता, उनको प्राणी मित्र अवार्ड मिला है और मुझे खुद भी राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला है। सर, आपके कार्यकाल में यहाँ बड़ी अच्छी देखरेख है, साफ सफाई व्यवस्था है, क्या आपके कार्यकाल में और आने वाले समय और सुंदरता बढ़ेगी? देखिए, मैं इसमें सारा श्रेय जो यहाँ के कर्मचारी हैं, विशेषकर जो नीचे लेवल पे काम करते हैं जिनका वास्तविक काम वन्य प्राणियों की देखभाल करना होता है, उनको देता हूँ। और हाँ, ये सही है कि यहाँ जितने भी अधिकारी रहे हैं उन्होंने वन विहार के विकास के लिए काफ़ी काम किया है और वर्तमान जो हमारा प्रबंधन है उसी नक्शे कदमों पर चल रहा है और हमें पूरी उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि जो हम लोगों को शासन ने एक दायित्व दिया है कि वन प्राणी और पर्यावरण के प्रति जनमानस में एक चेतना का संचार होना चाहिए और उसके साथ ही वन विहार की प्रगति हो, इसके लिए हम लोग हमेशा से प्रयत्नशील हैं। देखिए, आप अगर खाने की व्यवस्था का जहाँ तक सवाल है, इसकी दो कैटेगरी हैं, एक तो मांसाहारी वन्य प्राणियों का प्रबंधन और शाकाहारी का प्रबंधन। मांसाहारी के प्रबंधन में हम लोग उनको भैंसा मीट देते हैं और जो वन्य प्राणी चिकित्सक है हर वन्य प्राणी के लिए खाने की कितनी डाइट है वो निर्धारित करते हैं और वो साल भर एक सी नहीं रहती, सर्दियों में डाइट कुछ अलग रहती है, गर्मियों में कुछ अलग रहती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो CJDA के निर्देश हैं और जो हमारे वन्य प्राणी चिकित्सक हैं जैसा रिकमेंड करते हैं वैसा भोजन हम उनको उपलब्ध कराते हैं।